सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था मल्टीपल एंड फैक्टर। बच्चों इसमें हमने एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट करना स्टार्ट किया था जिसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 3 बेल्स टोल्स एट इंटरवल 9 12 एंड 15 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली बिगनिंग टुगेदर। मींस क्या हो रहा है कि तीन अलग-अलग तरीके की बेल्स लगी हुई हैं। पहली बेल जो है वो हर 9 सेकंड में बजती है, सेकंड बेल जो है वो हर 15 सेकंड में बजती है और थर्ड बेल जो है वो हर 15 सेकंड में बजती है। अब इन तीनों बेलों को एक साथ पहले बजाया गया है ना। अब क्योंकि ये अलग अलग इंटरवल्स में बजती हैं तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद ये तीन बेल एक साथ बेल करेंगी, एक साथ बजेंगी। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये तीनों बेल्स अलग अलग टाइम पर क्या इनका बजने का टाइम अलग अलग है। क्लियर? पहली बेल हर 9 सेकंड में, सेकंड बेल हर 15 सेकंड में बजती है और थर्ड बेल हर 15 सेकंड में बजती है। अब इन तीनों बेल को एक साथ रखा गया और क्या किया, साथ में बजा दिया। क्लियर? तो अब पहली बेल जो है वो 9 सेकंड बाद बजेगी, सेकंड बेल जो है वो 12 सेकंड बाद और थर्ड बेल जो है हर 15 सेकंड बाद। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी, तो हमें वो बताना है। तो बच्चों ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, कई बार ऐसा ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मींस साथ में कब बजेंगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें एलसीएम फाइंड करना रहता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या बच्चों फाइंड करना है, एलसीएम। इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 7, तो ओनली वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। क्लियर? सॉल्यूशन आई एम राइटिंग हियर। सो 9 12 एंड 15, 9 12 एंड 15, इन तीन नंबर का बस आप क्या कर लो, एलसीएम है ना। सो आई एम राइटिंग हियर एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 15। तो आप याद रखना कि ऐसे ही लिखना है आपको, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट भी कर देता हूं। चलो लो, एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 15 वी हैव टू फाइंड। अब एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है 9, 12 और 15 3 की टेबल से मैं काट देता हूँ या फिर 2 से भी कर सकते हैं हम। सबसे पहले 2, 9 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, 2 6 है 12 और 15 एज इट इज। फिर 3 से 2 से फिर से काट दो, 9 एज इट इज, 2 3 या 6, 3 5 या 15, सॉरी 15 तो आती नहीं ना 2 की टेबल में। अब हम 3 से काट देंगे, 3 3 या 9, 3 1 या 3 और ये 3 5 जा 15। क्लियर? फिर आगे 3 से, 3 1 जा 3 1 और ये 5 और ये फिर 5 से, तो 1 1 और 1 है ना। तो अब हमें क्या कर देना है, एलसीएम लिख देना है। तो एलसीएम विल बी इक्वल्स टू, ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 5। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 180। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये तीनों बेल जो है ना, क्योंकि ये सेकंड में यूनिट दी हुई थी ना बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये यूनिट्स हमारी किस में दी थी, सेकंड में। तो अब ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी 180 सेकंड बाद। अब ये तीनों बेल बजेंगी 180 सेकंड्स बाद, ओके। या फिर 180 सेकंड होता है हमारा क्या, 3 मिनट के इक्वल, तो 180 सेकंड भी सही है और 3 मिनट लिखोगे तो वो भी सही है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 3 मिनट में 180 सेकंड्स, तो दोनों तरीके से इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी, दोनों आंसर सही कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों हुआ 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 8th क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 एथलीट स्टार्ट रनिंग टुगेदर देयर स्टेप मेजर। अब देखो बच्चों अलग अलग इंसान होते हैं तो हर किसी की सेम हाइट जनरली नहीं रहती है, किसी की ज्यादा लंबी हाइट रहती है, किसी की थोड़ी कम हाइट रहती है। तो जब वो चलते हैं तो किसी के स्टेप जब वो चलते हैं तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस है ना, उनके हर स्टेप में थोड़ा सा कम डिस्टेंस रहता है। अगर लंबा आदमी होगा तो उनके पैर भी लंबे होंगे, तो हर स्टेप में उनका जो डिस्टेंस कवर करने का वो होगा वो ज्यादा होगा। मीन्स कोई ज्यादा जल्दी चलता होगा, कोई थोड़े कम चलता होगा। इसी तरह से जो लंबा होगा वो ज्यादा तेज दौड़ पाएगा, है ना। तो जब ये तीन एथलीट हैं, ये तीनों स्प्रिंट करते हैं, दौड़ते हैं, तो एक जो है वो एक स्टेप में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, सेकंड जो व्यक्ति है या फिर एथलीट है वो 40 सेंटीमीटर और थर्ड जो एथलीट है वो 60 सेंटीमीटर।
मीन्स ये उनके जब वो दौड़ते हैं तो एक स्टेप्स का डिस्टेंस है ये, क्लियर। अब ये बोल रहे हैं इफ दे आर रनिंग एट द सेम स्पीड, अब ये तीनों क्या हुआ एक सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस विल दे बी टेकिंग स्टेप टुगेदर अगेन। तो अब ये कह रहे हैं कि बताओ कितने डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स करने के बाद ये लोग एक साथ स्टेप्स लेंगे, है ना। जैसे एक एक बार में इनने एक साथ दौड़ना चालू किया तो कितनी दूर तक पहुंचने के बाद इनका सेम स्टेप्स वापस से आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना एट्थ क्वेश्चन वो बिल्कुल सेवेंथ की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर एट में भी आपको बस क्या करना है इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है, इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्थ का। तो एलसीएम तो आपको बनता है ना निकालते, तो आप क्या करो इसका एलसीएम निकाल लेना वही आंसर हो जाएगा। मैं इसको एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन अब, क्लियर। अब क्वेश्चन नाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नाइन में है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 108 चॉकलेट एंड 180 कुकीज कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, पहले मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने पर सबसे पहले तो मुझे एक लार्जेस्ट वर्ड दिखा, और लार्जेस्ट वर्ड जैसे ही दिखा इसका मतलब मैंने सोच लिया मुझे एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया 108 और 180 का हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन को अगर मैं समझू तो ये लिखा है कि बताओ सबसे ज्यादा कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको मैं 108 चॉकलेट और 180 कुकीज बांट सकता हूँ, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली सब में, है ना। तो मुझे 108 चॉकलेट और 180 कुकीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सबसे ज्यादा कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और हर किसी को इक्वल अमाउंट में ये दोनों चीज मिले। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, एचसीएफ सॉल्यूशन करेंगे हम क्वेश्चन नाइन का। क्वेश्चन नाइन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 एंड 108। तो 180 हम यहाँ लिखेंगे और 108 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 108 आई थिंक 1 जी हम करेंगे तो 108 आ जाएगा यहाँ पे। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा देखो 10, 0 का तो 10 बन जाएगा और 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, ये 8 बन जाएगा 7, ये 7 और 1 में से बन जाएगा 0। इसके बाद हम करेंगे 108 यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे यहाँ 180 आएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है, क्लियर। अब 72 वन जे ही करेंगे तो ये 72 आएगा क्योंकि 72 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, 10 में से 7 जाएगा तो आएगा 3। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे 72 को अंदर लिखेंगे। अब आई थिंक 36 टू जा होता है हमारा 72, हम करके देख लेते हैं 2 6 12 3 2 6 7, हाँ 36 टू जा 72, है ना। तो हमारा बच्चों HCF क्या आ गया, हमारा HCF आ गया इन दोनों नंबर का क्या 36, ये हमारा HCF। तो ये जो हमारा HCF आया है बच्चों, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चलता है कि 36 मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकते हैं जिनमें आप 108 चॉकलेट और 180 कुकीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ 36, देखो इधर पे लिखना 36 is the largest number of student. 36 is the largest. मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो मैंने क्या लिख दिया है, 36 is the largest number of students जो हमारे क्वेश्चन में लिखा था, among which 108 chocolates and 180 cookies can be equally distributed. ये पूरी लाइन मैंने यहाँ से उठाई है, among which देखो ये पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी हमने आधा ही क्वेश्चन किया है, अब आधा बचा हुआ है हमारे लिए। तो हमें तो पता चल गया कि 36 है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनमें हम ये सब बांट सकते हैं इक्वली। ये कह रहे हैं कि बताओ हाउ मेनी चॉकलेट एंड कुकीज विल ईच स्टूडेंट गेट। तो आप कह रहे हैं अगर 36 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट के पास कितनी कितनी चॉकलेट और कितनी कितनी कुकीज आएगी वो भी बता दो। तो सबसे पहले तो हम देखें तो नंबर ऑफ चॉकलेट थी हमारे पास 108, तो हम क्या करेंगे 108 को किससे डिवाइड कर देंगे 36 से। तो जब आप 108 को 36 से डिवाइड करोगे आई थिंक 36 3 जा होता है 108, 36 जा 18, 39 हाँ ठीक है। तो 36 3 जा होता है मेरा 108, तो इसको हमने काट दिया तो मीन्स डिवाइड हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट के पास कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी बच्चों 3 चॉकलेट्स, मतलब हर स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट्स मिल जाएंगी 3 चॉकलेट्स, ठीक है 3 चॉकलेट्स। चॉकलेट्स की स्पेलिंग CHOCOLATES, ओके। तो हर बच्चे को 3 चॉकलेट मिलेंगी। अब हमें दिखाना है कि कितनी कुकीज मिलेंगी, तो कुकीज हमारे पास 180 अवेलेबल थी,
तो हम 180 से भी क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किसको, 36 से। तो आई थिंक 36 5 जो होता है 180, तो मैं कर देता हूँ 5 6 जो 30 और 5 3 15 60। हाँ ठीक है, तो ये रबर वाली वर्क है ये, ठीक है, जो भी मैं सर्कल लगाती हूँ। तो 36 5 जो होता है 180, तो ये कर दिया। तो ईच स्टूडेंट को हमें 5 कुकीज मिल जाएंगी, हर स्टूडेंट को क्या कुकीज कितनी मिल जाएंगी, 5 COKIES। तो हर स्टूडेंट को 3 चॉकलेट और 5 कुकीज मिल जाएंगी, है ना, अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट ना। एक स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है पहले, ताकि लिखने में इजी हो आपको सॉल्यूशन में लिखने में। हेंस ईच स्टूडेंट गेट 3 चॉकलेट एंड 5 कुकीज। तो बच्चों हुआ हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आपकी बहुत डिमांड थी XI 6.6 की, इसलिए मुझे बनाना पड़ा, क्लियर। बाकी नहीं तो हम आगे चैप्टर पे निकल गए थे। तो बस बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे पास एक्चुअली पेज अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। सारी वीडियोज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।